हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर स्टडी राजस्थान में। दोस्तों आज बात करेंगे राजस्थान फायर सर्विस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फायर से रिलेटेड आपको हर न्यूज मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्लास फायर, ऑप्शन बी क्लास फायर, ऑप्शन सी क्लास फायर और ऑप्शन डी है डी क्लास फायर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी क्लास फायर। अगला क्वेश्चन है, लैंडिंग वाल का IS कोड होता है। ऑप्शन ए 5290, ऑप्शन बी 5291, ऑप्शन सी 5292 और ऑप्शन डी है 5293। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, जो लैंडिंग वाल का जो IS कोड होता है 5290। अगला क्वेश्चन है, वेट राइजर सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए गर्म प्रदेशों में, ऑप्शन बी ठंडे प्रदेशों में और ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गर्म प्रदेशों में वेट राइजर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है गर्म प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन है, फिक्स्ड फायर फाइटिंग उपकरण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 6 प्रकार के और ऑप्शन डी है 8 प्रकार के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के फिक्स फायर फाइटिंग जो उपकरण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेंचर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 3 प्रकार के, ऑप्शन बी 4 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के और ऑप्शन डी है 6 प्रकार के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेंचर सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रूप डेंचर होता है, एक वॉल डेंचर होता है, एक विंडो डेंचर होता है। अगला क्वेश्चन है, डिटेक्टर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 2 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 4 प्रकार के और ऑप्शन डी है 5 प्रकार के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिटेक्टर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म का NFPA कोड होता है। ऑप्शन ए NFPA 70, ऑप्शन बी NFPA 72, ऑप्शन सी NFPA 74 और ऑप्शन डी है NFPA 76। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फायर अलार्म का जो NFPA कोड होता है वो होता है 72। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर सिस्टम में ड्रेन वाल का डाया कितना होता है। ऑप्शन ए 40 से 50 फीट, ऑप्शन बी 60 से 70 फीट और ऑप्शन सी है 100 फीट और ऑप्शन डी है 120 फीट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 से 50 फीट। स्प्रिंकलर सिस्टम में ड्रेन वाल का जो डायमीटर होता है वो होता है 40 से 50 फीट। अगला क्वेश्चन है, एक स्प्रिंकलर हेड से दूसरे स्प्रिंकलर हेड के बीच की दूरी कितनी होती है। ऑप्शन ए 8 से 10 फीट, ऑप्शन बी 10 से 12 फीट, ऑप्शन सी 15 फीट और ऑप्शन डी है 20 फीट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 से 10 फीट। अगला क्वेश्चन है, फायर अलार्म का IS कोड होता है। ऑप्शन ए 15908, ऑप्शन बी 15909, ऑप्शन सी 15910 और ऑप्शन डी है 15911। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फायर अलार्म का जो IS कोड होता है वो होता है 15908। अगला क्वेश्चन है, बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड में कलर कोडिंग कितने प्रकार से की जाती है। ऑप्शन ए 5 प्रकार से, ऑप्शन बी 6 प्रकार से, ऑप्शन सी 7 प्रकार से और ऑप्शन डी है 8 प्रकार से। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, 7 प्रकार के। बल्ब टाइप स्प्रिंकलर हेड में कलर कोडिंग 7 प्रकार से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर हेड का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए अग्नि दुर्घटना की सूचना देना,
ऑप्शन बी आग बुझाना, ऑप्शन सी आग को बढ़ने से रोकना और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए दो प्रकार के, ऑप्शन बी तीन प्रकार के, ऑप्शन सी चार प्रकार के और ऑप्शन डी है पांच प्रकार के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोग के आधार पर फॉर्म दो प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन से फॉर्म का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए मैकेनिकल फॉर्म, ऑप्शन बी केमिकल फॉर्म, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे पहले केमिकल फॉर्म का उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रिवॉल्विंग ब्रांच का IS कोड होता है? ऑप्शन ए 906, ऑप्शन बी 907, ऑप्शन सी 908, ऑप्शन तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, रिवॉल्विंग ब्रांच का जो IS कोड होता है वो होता है 906। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन फॉर्म का जीवन काल होता है? ऑप्शन ए 2.5 वर्ष, ऑप्शन सी 3.5 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष और ऑप्शन डी है 10 वर्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो प्रोटीन फॉर्म का जो जीवन काल होता है वो होता है 2.5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अग्नि दुर्घटना पर फॉर्म का प्रयोग करने के बाद वह कितने समय बाद पानी में बदल जाता है? ऑप्शन ए 5 मिनट में, ऑप्शन बी 8 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट और ऑप्शन डी है 15 मिनट। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 मिनट। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फायर से रिलेटेड आपको हर न्यूज़ मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।